आज तारीख हो चुकी है 21 अप्रैल। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सब आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेट जगत को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें और 10 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं सूड आपके साथ डिस्कस करूंगा आपको सभी 10 बड़ी खबरों के बारे में। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 10 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वह थी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। दरअसल चेन्नई की टीम के लिए आज के मुकाबले से पहले यहां पर बड़ी कुछ खबरें निकल गई है। जहां पर आईपीएल से पहले खबर थी कि चेन्नई के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी इस आईपीएल एडिशन में एक भी मुकाबला नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अब यहां पर आज के मुकाबले से पहले ये चेन्नई के लिए बड़ी कुछ खबर है। कुछ यहां पर सोर्सेज ने यह कंफर्मड किया है कि यहां पर मुकेश चौधरी ने इस टीम के कैंप को ज्वाइन कर लिया, तो मुकेश चौधरी अब चेन्नई के कैंप में पहुंच चुके। इसके साथ ही शायद आज के मुकाबले में ये उपलब्ध ना हो, और हो सकता है कि आज ही उपलब्ध हो जाए, लेकिन अगले मुकाबले से तो ये 100% कंफर्म रूप से यहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। अगर यहां पर इन्होंने कैंप को ज्वाइन कर लिया, तो अगले मुकाबले से ये पूरी तरीके से 100% यहां पर अवेलेबल रहेंगे, और अगले मुकाबले से ये चेन्नई के लिए हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो मुकेश चौधरी का यहां पर ऑलमोस्ट अब कमबैक हो चुका है। इसके साथ ही हो सकता है कि यहां पर अगर चेन्नई की टीम प्लेऑफ्स में पहुंचती है, तो प्लेऑफ्स में हमें मुकेश चौधरी और दीपक चहर की जोड़ी एक साथ यहां पर चेन्नई के लिए गेंदबाजी करती हुई दिखेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर आईपीएल 2023 के एडिशन की यहाँ पर सबसे खतरनाक यहाँ पर बॉलिंग की जोड़ी रहेगी या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल फाइनली कल दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने यहाँ पर आईपीएल 2023 के एडिशन की अपनी पहली जीत रजिस्टर्ड कर ली, जहाँ पर कोलकाता को हरा कर अब 6 मैचों में 1 जीत, इसके साथ ही यहाँ पर 5 हार के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने अब 2 पॉइंट प्राप्त कर ली। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम को प्लेऑफ्स में जाने के लिए अपने बचे हुए यहां पर 8 मुकाबलों में से अब भी 7 मुकाबले जीत रहे होंगे, तो प्लेऑफ्स के लिए अब भी राह मुश्किल है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने काफी अच्छा अब यहां पर 5 मुकाबले हारने के बाद एक कमबैक किया। इसके साथ ही यहां पर अब कोलकाता की टीम की समस्याएं बढ़ चुकी है। कोलकाता की टीम पिछले 2 से 3 यहां पर लगातार मुकाबले हार चुके, तो कोलकाता ने 6 मैच खेले, केवल 2 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे, तो 4 पॉइंट्स के साथ कोलकाता की टीम काफी नीचे, और कोलकाता को प्लेऑफ्स में जाने के लिए अपने बचे हुए यहां पर 8 में से कम से कम 6 मुकाबले जीत रहे होंगे। तो कुल मिलाकर कोलकाता के लिए अब समस्याएं बढ़ रही है। बस आप कमेंट करके बताइए अगर आपके अकॉर्डिंग दिल्ली कैपिटल्स और यहां पर कोलकाता में से अगर एक टीम प्लेऑफ्स में जाती है, तो आप कौन सी टीम को प्लेऑफ्स में देखना चाहते हो। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है मोहम्मद सिराज की तरफ से। दरअसल मोहम्मद सिराज ने कल यहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। कल यहां पर 4 विकेट इन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में यहां पर पंजाब के खिलाफ लिए थे। इसके साथ ही मोहम्मद सिराज ने जो किसी एक फिक्सर ने यहां पर इनके साथ यहां पर बातचीत करी थी, या फिर एक बुकी ने इनके साथ बातचीत करी थी, प्लेयर्स की इनसाइड यहां पर जानने की कोशिश करी थी, वो यहां पर बीसीसीआई को इन्होंने रिपोर्ट करी थी। बीसीसीआई को इन्होंने कंप्लेन करी थी, 2 दिन पहले इन्होंने कंप्लेन करी थी, और इनकी कंप्लेन के 2 दिन के अंदर अंदर बीसीसीआई ने अब उस व्यक्ति को यहां पर अरेस्ट करवा दिया है। तो कुल मिलाकर सिराज से जिस यहां पर बुकी ने, जो बस ड्राइवर बनकर जिस बुकी ने बातचीत करी थी, तो उस बुकी को अब यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खुशखबरी है। कुल मिलाकर सिराज ने यहां पर काफी सही काम किया, जहां पर सोशल मीडिया पर और क्रिकेटिंग जगत में काफी अधिक यहां पर सिराज को अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सिराज ने सही काम किया या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल 2023 के एडिशन की पॉइंट्स टेबल को लेकर। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर आईपीएल 2023 के एडिशन के नए और लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल देख पा रहे होंगे। कल के 2 मुकाबलों के बाद इस प्रकार से पॉइंट्स टेबल बन चुकी है, जहां पर अब नंबर 10 पर दिल्ली कैपिटल्स, नंबर 9 पर हैदराबाद, नंबर 8 पर कोलकाता, नंबर 7 पर पंजाब, नंबर 6 पर मुंबई, नंबर 5 पर आरसीबी, नंबर 4 पर गुजरात, नंबर 3 पर चेन्नई, नंबर 2 पर लखनऊ और नंबर 1 पर राजस्थान की टीम। इस प्रकार से पॉइंट्स टेबल है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इस पॉइंट्स टेबल को देखते हुए आखिर कौन सी 4 टीम इस साल प्लेऑफ्स में जाएगी। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक मुकाबले के बाद हम यहां पर पॉइंट्स टेबल अपडेट करते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है आज होने वाले आईपीएल के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज आईपीएल का काफी इंपोर्टेंट 29वां मुकाबला होगा, जहां पर चेन्नई के होम ग्राउंड में आज चेन्नई और हैदराबाद का मुकाबला होगा। तो आज धोनी और एडन मार्करम आमने सामने होंगे, आईपीएल का 29वां मुकाबला होगा। चेन्नई की टीम अगर आज का मुकाबला जीत जाती है, तो पॉइंट्स टेबल के टॉप पर ये टीम जा सकती है। तो कुल मिलाकर काफी इंपोर्टेंट ये मुकाबला होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग चेन्नई हैदराबाद के मुकाबले में कौन सी टीम आज मुकाबला जीत रही है। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है विराट कोहली की तरफ से। दरअसल विराट कोहली ने यहां पर 15 महीने बाद यहां पर कल कप्तानी करी थी आरसीबी की। इन्होंने कप्तानी करी थी, फेफ डुप्लेसिस फिट नहीं थे, फील्डिंग नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से इन्होंने कप्तानी करी थी।
और 15 महीने बाद कप्तानी करते हुए विराट कोहली ने यहाँ पर आरसीबी की टीम को कल काफी कंफर्टेबली यहाँ पर मुकाबला जीता था। इसके साथ ही विराट कोहली ने यहाँ पर जो 4 रिव्यू लिए थे, चारों रिव्यूज यहाँ पर सक्सेसफुल रहे थे। तो कुल मिलाकर एज अ कैप्टन विराट कोहली का काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, बल्ले के साथ परफॉर्मेंस था, इसके साथ ही फील्ड पर परफॉर्मेंस था। तो कुल मिलाकर विराट कोहली को सोशल मीडिया पर इनकी कप्तानी के लिए काफी अधिक अप्रिशिएट किया जा रहा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या विराट कोहली को आखिर परमानेंट कैप्टन बनाना चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं 7वीं बड़ी खबर की। तो 7वीं बड़ी खबर निकल कर आती है विराट कोहली की फेवरेट लिस्ट को लेकर। दरअसल यहाँ पर कल यहाँ पर विराट कोहली ने अपने यहाँ पर कुछ फेवरेट यहाँ पर खिलाड़ी ऑलराउंडर सब कुछ बताया, जहाँ पर आरसीबी की पॉडकास्ट में इन्होंने यहाँ पर सब कुछ रिवील किया था। जहाँ पर विराट कोहली के अकॉर्डिंग मोस्ट अंडररेटेड यहाँ पर आईपीएल के प्लेयर के रूप में इन्होंने यहाँ पर अंबाती रायडू को चूज किया था। इसके साथ आईपीएल के बेस्ट स्पिनर के रूप में सुनील नारायण और यहाँ पर राशिद खान को इन्होंने चूज किया था। इसके साथ यहाँ पर आईपीएल के बेस्ट ऑलराउंडर के रूप में शेन वॉटसन को इन्होंने चूज किया था। इसके साथ आईपीएल की बेस्ट टीम के रूप में इन्होंने चेन्नई को चूज किया था। तो कुल मिलाकर इन्होंने ये बताया कि चेन्नई की फैन बेस की वजह से और एमएस धोनी की फैन बेस की वजह से इन्होंने आईपीएल की बेस्ट टीम के रूप में यहाँ पर चेन्नई को चूज किया। आप कमेंट करके बताइए आप इनके इन यहाँ पर ओपिनियन से आखिर एग्री करते हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 8वीं बड़ी खबर की। तो 8वीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने पहली जीत रजिस्टर्ड करी, लेकिन ये मुकाबला जीतने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के यहाँ पर कैंप से काफी सारे सामान की चोरी हो गई थी। अब यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स ने दिल्ली पुलिस को जो कंप्लेन लिखी है, उन कंप्लेन के अकॉर्डिंग दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से 17 बल्ले चोरी हुए थे। इसके साथ ही 3 थाई पैड यहाँ पर चोरी हो गए थे, 7 ग्लव्स चोरी हो गए थे। इसके साथ ही 3 मैन पैड चोरी हो गए थे। इसके साथ ही 3 जोड़ी जूते चोरी हो गए थे। इसके साथ ही 2 सनग्लासेस चोरी हो गए थे। तो कुल मिलाकर लाखों रुपयों के सामान यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से जो यहाँ पर चोरी हो गए थे। हालांकि अब यहाँ पर पुलिस कंप्लेन हो चुकी, तो जल्दी ये सारा यहाँ पर सामान अब रिकवर हो जाए। अब बात करते हैं 9वीं बड़ी खबर की। तो 9वीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है एप्पल के सीईओ यहाँ पर टिम कुक की तरफ से। दरअसल एप्पल के सीईओ टिम कुक कल यहाँ पर दिल्ली और इसके साथ यहाँ पर कोलकाता का मुकाबला ये दिल्ली से यहाँ पर स्टेडियम से लाइव देख रहे थे। आप अपनी स्क्रीन पर फोटो और वीडियो देख पा रहे होंगे, जहाँ पर अभी करंटली ये भारत में, और भारत में मौजूद होने के कारण दिल्ली कैपिटल्स के ओनर जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने यहाँ पर इनको कल के मुकाबले के लिए इन्वाइट किया था और इन्विटेशन एक्सेप्ट करके ये कल का मुकाबला यहाँ पर देखने पहुंचे थे। आप अपनी स्क्रीन पर इनकी फोटो और वीडियो देख पा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 9वीं बड़ी खबर की। तो जो अब यहाँ पर आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम ने मिड आईपीएल यहाँ पर एक और ब्रांड के साथ एक डील साइन कर लिया। आप अपनी स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे होंगे, जहाँ पर महिंद्रा की XUV400 के साथ इन्होंने डील साइन करी है। कुल मिलाकर यहाँ पर मिड आईपीएल भी इनको एक काफी बड़ा एक ब्रांड यहाँ पर साइन ब्रांड साइन हुआ, एक ब्रांड मिला है। तो कुल मिलाकर ये टीम आईपीएल की यहाँ पर ब्रांड वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ से पूरी तरीके से सिद्ध होता है कि सबसे बड़ी टीम है। तो इसी वजह से इनको बीच आईपीएल भी यहाँ पर एक और ब्रांड मिल चुका। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या इस साल आरसीबी की टीम 2016 के यहाँ पर आईपीएल को आखिर रिपीट कर पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।